Hello student, I will start chapter 1. Chapter 1 is building with bricks. So let us start. Brick pattern of Jagriti School. This is the true story of Jagriti School in Murshidabad, West Bengal. When its building was being made, there was a plan to make bricks pattern on the floor and walls. Jamal, Kalu and Pyare were the masoom for the brick work. They want to get new ideas for the school building. So they took their other friend to see the old tomb of Murshid Quli Khan. See photos. यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं, जो कि जागृति स्कूल का है. So this building has a big floor with about 2000 beautiful bricks pattern. These were made by Mansoor Lock back about 300 years ago. Look how the bricks are arranged in these five floor patterns. So next page is, which floor pattern do you like the most? Have you seen such pattern anywhere? Means यहाँ पे आपको कुछ patterns दिए हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5 ये yellow ब्लॉक में रेड कलर से नंबर्स हैं, वो आपके फाइव पैटर्न दिए हैं. और यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. एंड ऐसा पैटर्न या आपने ब्रिक्स का पैटर्न कहीं और भी देखा है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. द मानसून कम बैक एग्जिट जमाल सेड इन दोज डेज दे हैव मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग bricks patterns, we had forget these. Let us make some nice design on the floor of this school. Each Mansoor made a different bricks pattern. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new pattern themselves. Look here. यहाँ पे 11 पैटर्न आपको दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के. ये सारे पैटर्न्स ब्रिक पैटर्न पे बेस्ड है. विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल. विच पैटर्न कैन यू सो मिरर हाफ ड्रॉ लाइन. हाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न मीन्स आपको इसमें से सबसे जो सर्कल में ड्रॉ है वो कौन सा पैटर्न है आपको यहाँ पे वो देख के बताना है. देन नेक्स्ट मिरर हाफ कौन सा पैटर्न है एंड क्या आप न्यू पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं इसको देखकर, कि आपके माइंड में कोई नया पैटर्न आ रहा है कि ब्रिक्स को लेके मैं ये पैटर्न भी बना सकता हूँ. सो लेट्स नेक्स्ट इज हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक्स. दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक्स. In one photo we can see only one face of the brick. In the other we can see there three faces. Circle the photos showing three faces. How many faces in all does a brick have? Is any face a square? Draw the smallest face of the bricks. मीन्स यहाँ पे ब्रिक्स है, ब्रिक्स मीन्स क्यूबाइट. आपको क्यूबाइट के फेसेस आपको यहाँ पे लिखने हैं. उसके स्मॉलेस्ट फेस कौन सा है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज दिस आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक्स. मीन्स यहाँ पे कौन सा जो डिफरेंट टाइप के फेस दिए हुए उसमें से ब्रिक्स का फेस कौन सा है उसको आपको यहाँ पे टिक करना है. And the next is which of these is a drawing of a brick. Mark इसमें से अगर आपको brick draw करना है तो उसमें से कौन सा brick आपको है दिख रहा है कि इसमें से ये brick है. Next make a drawing of this box to show three of its face.
Can you make a drawing of a brick which show four of its face? यहाँ पे जो पिक्चर आपको ड्रॉ की गई है उसमें से थ्री फेसेस शो हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं वो आप नोट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ फोर फेसेस आपको ब्रिक्स के ड्रॉ करने के, आप ऐसा कर सकते हैं? नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो कम नेक्स्ट पेज. अ वॉल दैट विल नॉट फेल. वन जे मुनिया एंड Janab are playing with brick and making their walls. Each make a different wall. Janab say her wall will not fall easily. Monsoon to do not put bricks one on top of the other, as Munia has done. What you think? Which wall will be strongest? Look for wall every you can see different bricks pattern, different wall patterns. यहाँ पे दो बच्चियाँ हैं ज़ैनब और मुनिया, उन्होंने ब्रिक पैटर्न यूज़ करते हुए दो वॉल को यहाँ पे स्टैंड किया है. तो आपको उनके पैटर्न को देखते हुए आपको बताना है कि कौन सी वॉल जल्दी गिर सकती है और कौन सी नहीं गिर सकती है, और अगर वो कौन सी गिर सकती है तो क्यों. उसके पैटर्न के बेस पे आपको यहाँ पे अपने आंसर को लिखना है. द नेक्स्ट इज डिफरेंट वॉल पैटर्न. हेयर आर फोटोज ऑफ थ्री काइंड ऑफ ब्रिक वॉल्स. यू कैन सी द डिफरेंट इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड. यहाँ पे थ्री पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे वॉल के. नेक्स्ट है नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो. उसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको ड्राइंग ड्रॉ की गई है, उसमें से आपको करेक्ट पैटर्न कौन सा है वो आपको मैच करना है. ओके द नेक्स्ट पेज इज लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली. जाली मीन्स हमारी जो वॉल्स होती है उसमें एक झरोखा टाइप का, जिससे हम बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ हम देख सकते हैं. सो इट्स कॉल्ड अ जाली. सो द मानसून हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल्स. मीन्स जागृति स्कूल में डिफरेंट पैटर्न को हम ड्रॉ कर रहे हैं जो भी वर्कर्स है, और उस स्कूल में उन्होंने जाली पैटर्न का भी यूज़ किया है वॉल को बनाने के लिए. हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दीज टू फोटोज़. यहाँ पे दो फोटो दी गई है, इसमें आपको कितने डिफरेंट टाइप्स की जाली की पैटर्न दिख रही है वो आप काउंट करके आप लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप एज अ गेम इसे अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हैं कि यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि हाउ मैनी जाली इज यूज देयर. ओके सो नेक्स्ट दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली. यहाँ पे एक अनदर जाली का पैटर्न ड्रॉ किया गया. नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल रॉब बिलो. यहाँ पे एक जाली पैटर्न दिया जिसको आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं. उस ब्रिक पैटर्न को आप जाली के थ्रू उसको ड्रॉ करिए, उसमें कलर का यूज़ करिए, आप अपनी ओन जाली क्रिएट करेंगे इसमें. द नेक्स्ट यू कैन सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल. यहाँ पे जो फोटो बनी है उसको हम झरोखा बोलते हैं. इस पैटर्न का यूज़ भी जागृति स्कूल में किया गया है. नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स. नाउ द वॉल हेयर यू कैन शेड इट बैक. मीन्स आप यहाँ पे जो वॉल दी गई है आप उसमें झरोखा पैटर्न को ड्रॉ करिए जैसे यहाँ पे बनाया गया, या आपको जो भी लगता है कि आप ऐसा पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं झरोखा में तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. ओके okay?